Today we will start with the new chapter, application of trigonometry. Ninth chapter है आपका बेटा, आपको पता है कि इसमें सारी trigonometry को हमने use करना है, but बहुत important chapter है, clear cut questions इसमें से जो है paper में आराम से question जो ऐसा आ जाता है जो आप easily कर सकते हो, okay? So let us start with the chapter, that is some application of trigonometry. Means हमने trigonometry की, but वो use कहाँ होती है वो हमने आपको बताना है. उसके बारे में ये चीज बतानी है कि आपका जो है वो use कहाँ हो रहा है. Okay बेटा, तो let us do that. बेटा chapter 9th from your book. And that is on page beta 195. Okay, that is some application of trigonometry. Okay, beta. अब beta real life में ये सारी trigonometry को use करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है. छोटी छोटी टर्म्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे पता चले ये यूज कहाँ होता है, कैसे है, इसके साथ क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, हाइट एंड डिस्टेंसेस इवैल्यूएट करने पे ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है. अब ये हाइट एंड डिस्टेंसेस का कैसे पता चलता है? सपोज मेरे पास एक टावर है, दिस इज अ टावर, ओके, और मुझे टावर बहुत बड़ा होता है. तो अब जो टावर है बेटा, जिसको टावर भी बोल देते हैं हम, सपोज मुझे इसके टावर के यहां से डिस्टेंस मान लीजिए 8 किलोमीटर पता है. ओके, सपोज मैं टावर को एक तरफ से स्ट्रेट ही कंसिडर करती हूँ, यहां से यहां टावर, ठीक है बेटा. तो अगर मुझे डिस्टेंस पता है टावर से जहां मैं स्टैंड, जहां पर मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो बेटा मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है एंगल मेजर करने के, ठीक है. मैं यहां पर खड़े होके मैं देख सकती हूँ कि इसके टॉप से इसका एंगल कितना है. ओके, जिस लाइन से मैं देखती हूं ना बेटा, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. मतलब मैं नीचे भी देख सकती हूँ. मान लो आप यहाँ पर हो, आप नीचे कोई कोई पर्सन खड़ा है उसको देख रहे हो, आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, रहेगा वो लाइन ऑफ साइट ही. जिस रे से, जिस लाइन से हमारी नजर जा रही है, अगर मैं हिंदी में बोलूं, ठीक है ना, मैं किसी को देख रही हूँ, मैं स्ट्रेट भी देख सकती हूँ, है ना. कोई बच्चा छोटा है तो मैं ऐसे नीचे देखूंगी, कोई मेरे से लंबा है जो टॉल हाइटेड वाला है तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये हो जाए. ओके बेटा, अब इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम ऑब्जर्विंग अ बिल्डिंग और ए टावर, है ना, जो मेरे से हाइट से बड़ा है, मैं नीचे से ऊपर देख रही हूं, मेरा जो ग्राउंड के साथ ये एंगल बन रहा है ना, जब मैं नीचे से ऊपर किसी चीज को देख रही हूं, मैं छोटी जगह पे हूं, टावर ऊपर है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. लेकिन उल्टा हो, इफ यू आर एट अ टॉप पोजीशन, आप यहां खड़े हो, अब मैं इधर को बना के दिखा रही हूं आपको, आप इधर खड़े हो, आपकी नजर जानी सीधी चाहिए थी, है ना, ले तो बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन आप किसी चीज को नीचे को देख रहे हो, एंगल ये बना ना आपका, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन कैसे, आप डाउन की तरफ देख रहे हो, है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब अगर देखा जाए, ये रे ऑफ साइट के पैरलर अगर मैं ग्राउंड बना दूं, बेटा जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर है उतना ही होता है. क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
एंगल तो सेम ही होंगे ना, सिर्फ एक नाम हमने अलग दे दिया। अगर हम ऊपर आए, हम चीज को नीचे देख रहे हैं, है ना, हमारी साइड जो है वो इस तरफ से जानी चाहिए थी, ऐसे रे जो है मेरी नजर ऊपर को जानी चाहिए थी, बट मुझे डिप्रेस होना पड़ा, मुझे नीचे डाउन होना पड़ा, तो दैट्स व्हाई दैट इज मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट यहां आप नीचे थे, आपको ऊपर देखना पड़ा। इंक्लिनेशन, वर्ड इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, बड़ा, है ना, आपको ऊपर देखना है, ये गर्दन का लेवल जो है अपने रे ऑफ साइट से ऊपर करना पड़ा, तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? बट इसका यूज कहाँ करना, अभी तक तो जस्ट मैंने आपको ये समझाया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड लेवल। ओके बेटा, अब ये सारी चीजें ना यूज होंगी। मैं फिर आपको बता रही हूं, यहां ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस केस में ऑब्जेक्ट इधर है, आप देख यहां से रहे, इस केस में ओके मेरे पास जो है, आप यहां पर हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरफ देख रहे हो, तो यहां डिप्रेशन, यहां एलिवेशन, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? यस तानिया बेटा, यस बेटा। मैम एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो आप ये दोबारा रिपीट करा दो जो सा अभी कराया है। हाँ जी बेटा, मैंने एक ही चीज आपको बताई है कि मेरे पास जो है, मैं नॉर्मल आपको दोनों में बता देती हूँ कि मैंने दो तरह के एंगल्स बताए। इफ यू वर स्टैंडिंग देयर, पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, ऑब्जेक्ट इज देयर और ग्राउंड लेवल इज दिस, ठीक है, आपको देखना इधर चाहिए, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल भी कह देते हैं, लेकिन आपको ऊपर देखने के लिए आपको थोड़ा सा एंगल फॉर्म हुआ हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है। ओके, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे है, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, पर्सन इज हियर, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है जिसे हम रे ऑफ साइट कहते हैं, तो ये एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन, क्योंकि आपको नीचे होना पड़ा, ठीक है जी, ऊपर होने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे चीज देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एक लेमैन की लैंग्वेज पे मैंने आपको समझाया। अब बात ये क्वेश्चंस कहाँ यूज होंगे, है ना, सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा, जब तक मैं उसको यूज नहीं करूंगी आपको नहीं पता चलेगा। लेट अस डू एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कहाँ ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिगर। अगर आपकी फिगर गलत है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ओके, फिगर करेक्ट है तो यू आर एबल टू डू द फिगर। और यहाँ पर फिगर बनाने के लिए आपको साथ साथ बेटा जो है स्टेटमेंट को पढ़ के, जैसे जैसे वो कह रहे हैं, यू हैव टू मेक द फिगर अकॉर्डिंग टू दैट। लेट अस रीड एग्जाम्पल फर्स्ट बेटा। देखिए, ऑन पेज 198, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड। एक टावर है, वो ग्राउंड लेवल पे खड़ा है, ठीक है, ये टावर हो गया और ये ग्राउंड लेवल हो गया। ओके, मैंने ये रब कर दिया, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है मेरे पास, देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower, ये टावर का फुट होगा। अब यहां से वो कहता एक पॉइंट है जो 15 meter अवे है। अब बेटा वो आपकी मर्जी है, आप 15 meter इधर भी ले सकते हो, आप 15 meter इधर भी ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने कहा कि टावर से
15 मिनट दूरी पे ले ली, ये फुट है तो 15 मीटर ये लीजिए। अब उसने मैम अगेन रीडिंग द स्टेटमेंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब बेटा उसने एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं बार बार कह रही हूं एलिवेशन मतलब द पर्सन इज हियर द ऑब्जेक्ट इज हियर, तो उसने कहा यहां से आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है, यहां से ये उसने 15 मीटर दे दिया। अब उन्होंने क्या कहा है बेटा, व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि टावर की हाइट बताइए मुझे। ओके बेटा, तो मुझे हाइट बतानी थी तो बेटा इसको क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, हाइट ऑफ टावर यही है ना। जब भी कोई बिल्डिंग है, बहुत रेयर होता है कि कोई बिल्डिंग ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल ना बना रही, हम 99% बिल्डिंग्स जो हैं जब खड़ी होती हैं या टावर खड़े होते हैं वो हमेशा ग्राउंड लेवल के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। जैसे मैंने ये अपने जो है हाफ आर्म को ऐसे फोल्ड किया, देखिए बिल्कुल ऐसे, ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया है ना, तो ये 90 डिग्री हो। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, फिगर तैयार हो गई ना, जिस बच्चे की फिगर रेडी हो गई ही और शी इज एबल टू डू द क्वेश्चन। अब इसको लेबल कर दो ए बी सी, आपको मेंशन जरूर करना है, लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर ए बी, मैंने टावर को ए बी नाम। अब देखिए बेटा बड़े ध्यान से, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज हुई, हमने वो सबसे पहले देखनी है ना। आप देखिए ध्यान से, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, तो ये 100% बेस होगा, क्योंकि एंगल और 90 के बीच, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, एम आई राइट। अब बेटा अगर आप देखो, आपको बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, आप मुझे 6T रेशियो में से, आपने 6T रेशियोस की हैं, मेन 3 हैं, साइन कॉस टेन, आप मुझे बताइए कि साइन कॉस टेन में से कौन सी ऐसी टी रेशियो है, जैसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जिसमें परपेंडिकुलर भी आए बेस भी आए। Are you able to tell me? Just raise your hand. You have to tell me the T ratio which contain base and perpendicular. Okay. Yes, Divyansh. हाँ जी बेटा. 10. हाँ जी. 10 ma'am. 10. Yes. Yes. Very good. That is 10. बस आपने ये ढूंढना, आपने एक देखना है आपको क्या दिया गिवन है और एक आपने क्या इवैल्यूएट करना। अगर आपने ये ढूंढ लिया तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो आपने अब क्या करना है, आपने लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको ये पता चल गया आपने टैन यूज करना है, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, तो बेटा ए बी ओवर बी सी दैट इज टैन 60 डिग्री। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई, ए बी क्या है आपके पास, एच है बेटा, है ना आपके पास, तो दिस इज एच, बी सी आपने गिवन था आपके पास कितना है 15 मीटर और टैन 60 डिग्री की वैल्यू। हाँ जी आपको पता है रूट 3 होती है, तो यू कैन राइट रूट 3, सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी बेटा। अब बेटा आप एच को एक साइड पे रखिए और इसको दूसरी साइड पे ले लीजिए, 15 रूट 3 मीटर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस
हमारे पास यहाँ पर किसमें दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ गई सबको कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया? सिर्फ एक फिगर, अगर आपकी फिगर करेक्ट है, आपने सही समझ लिया, तो ये तो सारा काम, कोई इसमें याद करने वाली चीज नहीं है, सारा ट्रिग्नोमेट्री का काम है। सिर्फ आपने देखना है कौन सी टी रेशो। अच्छा, कोई बच्चा कॉट यूज कर लेता तब भी आंसर आ जाना था, उसका क्या हो जाना था, उसका ये ऊपर ये नीचे और यहाँ 1/√3। अल्टीमेटली आंसर जो है वो क्या रहना था, सेम ही रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। बात समझ आई बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी का? यस दक्ष, ऑन योर वीडियो बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन यू हैव टू ऑन द वीडियो। हरी अप। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम एक बार कोट से भी करके दिखा दो मैम, वो एच बाय मैम वो हो जाता है फिर। क्या कह रही हो मैम? कोट से भी करके दिखा दो मैम फिर आंसर से भी नहीं होता। बिल्कुल वही रहना था। अगर कोट से करना है तो हमारे पास क्या होता है, कोट होता है बी बाय पी और वो होता है कोट थीटा। अब बेस कितना है मेरे पास, 15 परपेंडिकुलर एच और कोट 60 की वैल्यू वो क्या होती है, 1/√3 लीजिए, तो दैट इज 15√3। आंसर तो वही आना बेटा। ओके जी, क्लियर? हाँ जी दिव्यांश, एनी प्रॉब्लम? लोअर योर हैंड इफ नो प्रॉब्लम इज देयर। चले बेटा आगे। यस दिव्यांश, ओके चलिए बेटा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास जो है, अब मुझे लगता है कि हम लोग क्वेश्चंस पहले करते हैं। आपको एक बेस मैंने बता दिया, we will start with the exercise 9.1, examples उसमें सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो वो हम साइड बाय साइड करेंगे, तो उसके साथ साथ का क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको एक्सरसाइज समझ आए जल्दी। ओके बेटा, तो लेट अस डू एक्सरसाइज जो है 9.1। अब बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, अब इसमें क्या है, लेट अस रीड द स्टेटमेंट फर्स्टली। द सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब नॉर्मली जब हम कहते हैं ना कि कोई सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, कोई ऊपर से चढ़ रहा है, तो मैं पता क्या समझूंगी कि ये रोप है ऐसे लटकी हुई है ऐसे, और ऐसे ऐसे करके वो चढ़ रहा है। उसने कहा ऐसे नहीं है, ये जो वायर है ना यहां पर, मान लीजिए ये जो मेरा हैंड है ये एक वर्टिकल पोल है ये, ठीक है, यहां पर ये पोल के साथ ऐसे टाइटली स्ट्रेच की है। देखिए अब अपने आप मुझे बताइए कौन सी ट्रायंगल बन गई, आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्ट्रेट, मेरा हैंड स्ट्रेट है, है ना, और ये टाइटली यहां पर ये ऐसे ऐसे वो पर्सन जो है वो चढ़ेगा ऐसे ऐसे कर, ये स्ट्रेच्ड है, बिल्कुल स्ट्रेच की गई है। यस बिसम, आप बताइए बेटा कौन सी ट्रायंगल बन गई? राइट एंगल। यस वेरी क्लियर बेटा, बहुत जो है बिसम ने क्लियरली उसको बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो अब हम ड्रॉ करके देखते हैं, उसने जितना पार्ट कहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट ऐसी वायर के साथ जो कि पोल के साथ ये देखिए अटैच है टाइटली, और उसने बताया है आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप लॉन्ग रोप, यानी ये रोप है तो बेटा इसी की लेंथ दी 20, विच इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल जो है टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, उसने कहा एंगल मेड बाय द रोप
विद द ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये एंगल जो है ना वो 30 डिग्री। जरूरी नहीं है कि जो बुक में फिगर दिया एग्जाम में वो साथ में हमारे पास आए। ओके बेटा, तो दैट इज नॉट नेसेसरी। तो यहां पर जो है मेरे पास क्लियरली मेंशन कि ये फिगर कैसे। तो अब बेटा यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। हम इसको लेबल कर दें ए बी सी। ओके, तो लेट अस राइट, हमने पोल की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो एच लेट कर दूं। जो चीज लेट कर रहे हो फिगर में भी मेंशन कर, तो लेट एच बी द हाइट ऑफ पोल ए बी। मैंने बता दिया कौन सा पोल है जबकि मैंने मेंशन भी किया हो। अब क्लियर कट है, देखिए बेटा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज पी एंड एच। अगर आपको नहीं याद है मैं आपको फिर बता दूं बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये किया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये साइन कॉस टेन, बस यही तीन लर्न कर लो। पी एच, पी एंड एच बेटा मेरे पास कहां कहां पर आ रहा है। अगर मैं देखूं पी और एच साइन में आ रहा है, पिछली बार हमने क्या लिया था पी एंड बी, वो किस में आ रहा था टेन में आ रहा था, क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने कैलकुलेट करना है, एच मुझे दिया है। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव टू कंसीडर हियर, आई हैव टू कंसीडर ओनली साइन थीटा है। बात समझ आई सबको, खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी टी रेशियो आपने यूज करनी है। ओके, तो मैं कंसीडर कैसे करूंगी अब यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी। आपको इतना पता चल गया कि साइन लेना है, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आई कैन राइट हियर साइन 30 डिग्री। अब साइन होता क्या है, पी बाय एच, पी इज दिस यानी वो, और एच कितना दिया 20। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी अक्षित साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ अक्षित। नहीं yes, ma'am. साइन 30 की वैल्यू बेटा हम याद नहीं, याद नहीं है बेटा, लर्न करो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट okay. बेटा हाँ जी चाहत, चाहत चाहत अनम्यूट योर सेल्फ, चाहत हाँ जी आर्यन, आर्यन बताइए बेटा। मैम 1/2, वेरी गुड, साइन 30 इज 1/2, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 1/2 वैल्यू पुट करोगे। अब आपने एच कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एच इज 20/2 दैट इज 10 meters, तो आप एंड में लिखोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 meters। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। ओके बेटा ऑल ऑफ यू जस्ट लोअर योर हैंड, क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसके बाद, एनी डाउट टू एनी वन। हाँ जी चाहत एनी डाउट, हाँ जी बेटा अदरवाइज लोअर योर हैंड बेटा प्लीज। हाँ जी दक्ष, यस बेटा। मैम फिगर की मैम मेन प्रॉब्लम आती है मैम, वो थोड़ी औखी हो जाती है मैम, फिर बाद में तो सॉफ्ट नहीं होता क्वेश्चन, मैम फिगर में ही मेन प्रॉब्लम आती है बेटा। फिगर तब भी बनेगी, आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ, बार बार स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट टाइम जब आपको फिगर नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, आप आज स्टेटमेंट पढ़ो, फिगर देखो मैम ने कैसे बनाई है ना, हर लाइन से मीनिंग निकालो, उसके बाद
सेकंड बार फिर पढ़ो कल, आपको अपने आप बनानी आ जाएगी. दैट इज नॉट ए बिग इशू. स्टार्टिंग में लगता है, अभी तो हमने दो सम ही किए, एक एग्जांपल के एक क्वेश्चन किया. लेट अस डू मोर क्वेश्चन, तब आप मुझे खुद ही बताओगे दक्ष देखना. ओके लेट अस डू, आप मेरे को खुद ही बताओगे देख लेना कि मैम ऐसे कीजिए, आपने ये ऐसे नहीं करना. चलिए तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जो है, हाँ जी, अब आप लोग खुद ट्राई कीजिए सभी बच्चे. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रियल लाइफ में से. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट. अब बेटा देखिए क्या उसने कहा. मान लीजिए ये पूरा एक ट्री था, दिस इज अ ट्री. स्टॉर्म आया, ये ट्री यहां से ब्रेक हो गया. जब ये ब्रेक हुआ तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना, ये ग्राउंड के साथ ऐसे बेंड हो जाता ना. मान लो ये ट्री है, है ना, बारिश आई या हवा चली तो यहां से ये टूट गया और ये ऐसे नीचे ग्राउंड से ऐसे ऐसी शेप बन जाएगी ना. यही हुआ इसके साथ, ये ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट, ये टूट के ग्राउंड के साथ. उसने कहा इसने 30 डिग्री, लेट अस चेक की 30 है कि 60 है. हाँ जी 30 डिग्री एंगल उन्होंने बना दिया. आप यहां पर भी लिख दीजिए, जितना पार्ट ऊपर है ना बेटा उतना ही पार्ट नीचे को, ये साइड जितनी ऊपर है उतनी नीचे, ये ब्रोकन पार्ट है. ये जो पटा यहां पर, मैं आपके लिए इतना ये सारा लिख रही हूं, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है मेरे पास. अगर मैं टोटल ट्री की लेंथ देखूं ना बेटा, तो टोटल ट्री की लेंथ रिमेनिंग पार्ट प्लस ब्रोकन पार्ट होगा, यही होगा ना. अब उन्होंने हमें क्या कहा है बेटा यहां पर क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 meters. अब उसने मुझे ये कहा है कि जहां से ये ट्री का टॉप जब नीचे आके गिर गया है ना, और ट्री के फुट से ये जो इसका डिस्टेंस है ना, उन्होंने क्या कहा है कि डिस्टेंस कितना है, दैट इज गिवन टू मी, दैट इज 8 meters. यानी ये 8 meters दिया. ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम बनाया. हमने जो पेपर में बनाना होता है ना वो सिंपल, जब आपको समझ आ जाएगा ये देखिए, बस दिस इज माय पार्ट. ये एक्स है, ये वाई है, तो ये भी वाई ही होगा बेटा. ये सारा आपको रेज दिखा के रिमेनिंग पार्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक हमने ये किया. ओके तो जितना ऊपर है उतना नीचे, ये देखने में छोटा लगता है बट बेसिकली ये दोनों सेम. ओके बेटा तो अब ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ए बी सी. लेट द लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री दैट इज एक्स प्लस वाई मीटर. वाई आई राइट मीटर बिकॉज डिस्टेंस मुझे मीटर में दिया है. अगर किलोमीटर में देते तो मैं किलोमीटर में, सेंटीमीटर में देते तो आई कैन राइट इन सेंटीमीटर. लेंथ तो मीटर्स में ही होगी ना बेसिकली, तो इसीलिए. ओके बेटा तो अब इन ट्रायंगल एबीसी, अब देखिए मेरा काम है एक्स भी निकालना वाई भी निकालना, यानी दो स्टेप्स में ये क्वेश्चन होगा. पहले एक्स निकाल लेते हैं. एक्स क्या है, परपेंडिकुलर. ये क्या है, बेस. और P और B किस में आता है, जल्दी बताइए जल्दी. P एंड B कौन सी T रेशियो में आता है बेटा. हाँ जी बाकी बच्चे क्या बात है, सोए हुए हैं. यस रायना, यस रायना बेटा, वेरी गुड. टेन थीटा, वेरी गुड. टेन थीटा में आता है, तो दैट मींस हम क्या करेंगे यहां पर,
कि वी कैन यूज हियर पी बाय बी, आप पहले ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा, डजंट मैटर. तो अब यहां पर परपेंडिकुलर इज एक्स, बी इज ए. ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, टेक वन वैल्यू विच यू हैव टू कैलकुलेट एंड अदर वैल्यू विच यू नो. जो आपको पता है, आपको 8 की वैल्यू बेस पता थी, परपेंडिकुलर आपने निकालना है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है, 1/√3. यस, वेरी गुड. तो यहां से आपके पास हो गए बेटा x कितना आ जाएगा, 8/√3 मीटर्स. बट हमें तो टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है ना बेटा, तो टोटल हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें वाई भी कैलकुलेट करना. अब वाई किस में आ रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये बेस है. बी और एच किस में आते हैं, हाँ जी, बी और एच किस किस में आता है, जल्दी जल्दी, हाँ जी, यस सृष्टि बेटा, यस वेरी गुड वेरी गुड. तो दैट मीन्स अब हम दोबारा कंसिडर करेंगे cos theta. cos theta जो है वो v by h. अब cos 30 डिग्री, एंगल वही रहना है क्योंकि उसी ट्रायंगल की बात हो रही है, और b 8, h हमने कैलकुलेट करना. अब बात है वैल्यूज की, आपको कैलकुलेट, अब मैं ये रब कर रही हूँ सारा पार्ट देखा, ठीक है, तो आई एम डूइंग हियर नाउ. अब cos 30 की वैल्यू दैट इज √3/2, तो मैंने √3/2 8/y ऊपर जाएगा 2 × 8/√3, y इज इक्वल टू 16/√3 मीटर. मुझे तो नेट ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है. अब नेट ट्री की हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं कहूंगी देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, देखिए बेटा दैट इज एक्स प्लस वाई, एक्स इज मेरे पास 8/√3, एक ही बार हम जो है ऐड कर लेंगे 24/√3, एंड में रैशनलाइज कर दीजिए एक ही बार, दैट इज 24√3/3, तो ये 8√3 मीटर आंसर. ओके जी, यस दक्ष, एनी प्रॉब्लम, अदरवाइज लोअर योर हैंड बेटा. दिव्यांश, ओके, सबको क्लियर हो गया, चलिए बेटा तो आप ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to try question number 3rd and 4th only. Question number 3rd and 4th, you can try. Okay? And you have to do even parts in your fair notebook. Even part question in your fair notebook. Okay, beta? Clear? Even parts you have to do in your fair notebook. Odd parts tumhe rough copy pe bhi hone chahiye. Ye nahi ki rough copy aapke paas pura jo hai record hona chahiye. We can ask anything, we can ask you to send anything.